हमारा बंगला से जरूर जीतेगा, हम जरूर चेस करेगा, मैं आपको बोल रहा हूँ भाईजान, हम जीतेगा। किसको उछल बोल रहा है, कौन सा बड़ा प्लेयर आएगा भाईजान? सकीबुल हसन आएगा, तंजीम आएगा। हारिस भाई का क्या, पूरे बांग्लादेश में 100 ओवर मातम चल रहा भाई, इतना स्कोर तो इनकी पुश्ते नहीं बना सकती। इतना स्कोर भाई, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हो गए, खासकर इंडिया वाले। हाँ भाई, मैं देख रहा हूँ ना भाई, आज का इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का भाई मैच होने, उसके अंदर आएगा बहुत मजा, क्योंकि इस वजह से भाई मुझे ऐसा लगता है कि भाई बांग्लादेश जो है वो इंडिया को टक्कर देगा आज के मैच के अंदर। क्योंकि भाई इंडिया और इसका बड़ा अच्छा रहा है, 2016 के अंदर ये लोग एक रन से सिर्फ हारे थे, एक रन से एम एस धोनी ने क्या बेहतरीन रन आउट किया था, जिसकी वजह से ये लोग हार गए थे। बाकी आपने लास्ट टाइम एशिया कप में देखा होगा, बांग्लादेश ने इंडिया को हराया, हम लोग हारे थे 2 मैच इनसे इंडिया से, लेकिन बांग्लादेश ने हराया था। और बांग्लादेश को हम लोग आज इस वजह से सपोर्ट करेंगे क्योंकि बांग्लादेश में हम लोग वैसे भाई भाई हैं, वो कभी हमें बुरा नहीं बोलते, हम कभी उनको बुरा नहीं बोलते, इंडिया वाले वैसे पीछे लगे रहते हैं हमारे। लेकिन ये कि इंडिया वालों बुरा मत मानना, लेकिन ये कि आज के मैच में इंडिया स्ट्रॉन्ग है, इंडिया अच्छा खेल रहा है, इंडिया के पास हर चीज़ परफेक्ट है, इंडिया बहुत बड़ी टीम है, नंबर 1 भी है, तो इस वजह से बहुत बड़ी टीम है। लेकिन बांग्लादेश भी कम नहीं, उनके बॉलर्स अच्छे हैं, सारी चीज़ें बहुत परफेक्ट है। आज के मैच में अभी रोहित शर्मा एक आउट हो गया भाई, क्या बात है, कम ऑन बांग्लादेश, मज़ा आएगा आज के मैच में। देखो भाई एक आउट हो चुका है, आपको दिखा दूँ, पिलर हो रहा है, एक आउट हो चुका है। अभी देखना ये आगे के मैच में होगा क्या, आज देखते हैं विराट कोहली क्या वापसी चौक करेगा या वापसी अच्छा परफॉर्म करेगा, क्या होता है। अभी उसामा भाई क्या बोलना चाहोगे? भाई कैसे आप लोग, अहमद भाई ने बताया कि सीन चल रहा है बांग्लादेश और इंडिया का, मैं बड़ा इंटरेस्ट हुआ हूँ मैं मैच के अंदर, मैं देख रहा हूँ कि भाई अभी क्या चल रहा है, क्योंकि दोनों टीमें हैं टफ, ऐसा नहीं है कि यार यूएसए और इंडिया चल रहा है, दोनों टीमें हैं अच्छी, दोनों परफॉर्मेंस वाली हैं, दर्शी बात है, वो भी सुपर एट में पहुंची है, तो ये भी सुपर एट में पहुंची है, बराबर टीम है। तो अभी सेकंड इनिंग तक चलता है मामला, फिर बता दें भाई कौन परफेक्ट है कौन मुझे। तो अभी दोनों ही, मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा कि भाई इंडिया जीत जाएगी ना, ये बोलूंगा मैं बांग्लादेश जीत जाएगी। अभी आगे देखते हैं फिर बताते हैं। ये देखो भाई 42 रन हो गए एक आउट है। ओ भाई साहब तो बोल्ड मार दिया, इसकी शक्ल देखो कैसे, विराट कोहली बोल्ड भाई, क्या बोलना चाहोगे आप, क्या कराइए साहब आपने, आप तो ऐसे शॉट बहुत आराम से खेलते हो, आपने क्या कराइए, मेरे को समझ में नहीं आया। बोल्ड होगा यार, 28 बोलों में बोल्ड होगा, और वो तो स्कोर करके जाओ यार, वो बंगाली बांग्लादेशी जो है वो वैसे ही बहुत चौड़े में घूम रहा है, तो उनको तो मौका चाहिए ना, आपने मौका दे दिया उनको बोलने का, इस तरीके से खेलते हैं ना, रोहित चल रहा है ना विराट चल रहा है, ये क्या करेगी इंडियन टीम, ये दूसरों पे जो थर्ड क्लास बैट्समैन है उनके आश्रय पे आइए इंडियन, या बॉलर पे आश्रय पे आइए, लेकिन क्या करेंगे ये लोग। लेकिन यार विराट कोहली जो है वो पता नहीं उसको क्या हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा है उसका क्या मसला चल रहा है, बहुत अच्छा खेल रहा था आज, उसने अभी छक्का मारा है, फिर उसके बाद बोल्ड हो गया, मेरे को ये समझ नहीं आया भाई, जब आपका रन रेट बहुत अच्छा चल रहा है, जब आपके 8 ओवर में 72-71 रन हो चुके हैं, तो फिर आपको इतनी क्या जल्दबाजी है भाई, आप आराम से अगर इनको 180 भी दोगे तो वो तब भी वो नहीं बना पाएंगे भाई, आपके पास बॉलिंग अटैक बहुत ज़बरदस्त है, आपके पास बुमराह है और भी आपके जो बॉलर हैं वो ज़बरदस्त खेल रहे हैं यार। भाई साहब सूर्या कुमार भी गए भाई, सूर्या कुमार भी गया, मैं बोल रहा था, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा था कि सूर्या कुमार परफॉर्म करेगा, मैं भाई छोटी टीम गया तो वो तो हलवा है तुम्हारे लिए, सूर्या भाई क्या हो गया, छोटी टीम से ये धोना चाहिए था, लेकिन यार वीआईपी हो गया बांग्लादेश, मजा आ गया देख के भाई, क्या बोलते हो साहब भाई, यानी कि बांग्लादेश बड़ी टीम है, बांग्लादेश बड़ी टीम है सूर्या कुमार के लिए, आउट हो गया। अबे भाई आपको क्या जरूरत थी, पहली बॉल पे आपने छक्का मारा, दूसरी बॉल आप रन लेते, आपको क्या हिट करने की जरूरत थी, आप आ गए विकेट दे दिया, ये शाबा बांग्लादेश वालों, शाबा, यही चाहिए, वो जो अपना जो बैठे बैठे इंडिया में 3-4 नमूने जो बैठे होते, कम ऑन बांग्लादेश, कम ऑन कार्टून जो है, जो अपना भाई वीआईपी हो गया बांग्लादेश वालों, लव यू यार, बहुत अच्छा खेल लो, इंडिया वालों का दिखा दो तुम्हें कितना है दम। हाँ तो भाई 150 कुछ हो गए भाई, 155 हो गए स्कोर, ठीक है यार, अच्छा खासा स्कोर चल रहा था, ठीक है पंत अच्छा खेल रहा था, नो डाउट, अच्छे चौके छक्के हर ओवर में 15 स्कोर निकाल रहा था, लेकिन भाई जब तूने अच्छा 15 एक स्कोर मार दिया एक बॉलर को 3 बॉलों पे, तो भाई तू रिवर्स से क्यों खेल रहा, अल्लाह के अरे अरे कुछ नहीं हुआ, ये बेचारा भाई इंडिया को सपोर्ट कर रहा था, बाकी आज तो इंडिया की भाई टांगे कब कब आ गई है, डुबे ने अभी तक 3 छक्के मार चुका है, वो भी लंबे लंबे छक्के, छक्के छक्के भी बांग्लादेश जब बैटिंग करेगी ना, जब देखियो तू बांग्लादेश तो आज इंडिया वालों पेम्पर पहन लो, क्योंकि लीकेज होने वाली है, क्योंकि बांग्लादेश की बैटिंग लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं बता दूं आपको, कम ऑन बांग्लादेश, कम ऑन, ये उछल किस पे, ये तो पूछ लो बांग्लादेश में, साकिबुल हसन को शाकिबुल हसन जो है ना, जो आज परफॉर्मेंस देने वाला है वो पूरा इंडिया देखेगा, बोल्ड मार दिया, बोल्ड मार दिया, कम ऑन।
बांग्लादेश जीतेगा, बांग्लादेश जीतेगा। कमॉन कमॉन भाई, देखते जब इंडिया मैच जीत गया फिर इसके चमाटे देखना मैं कैसे करूंगा। और भाई साहब हम जरूर जीतेगा, अभी देखते हैं कौन जीतेगा भाई। इंडिया ने भाई 196 बना दिया है, हारिस भाई का मुंह उतर गया। बल्कि हारिस भाई का क्या, पूरे बांग्लादेश में 100 करोड़ मातम चल रहा भाई। इतना स्कोर तो इनकी पुश्ते नहीं बना सकती, इतना स्कोर बना दिया इंडिया ने, बहुत ज्यादा बना दिया हारिस भाई की तरफ। हारिस भाई और भाई साहब देखो, टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, हमारा बांग्लादेश जरूर जीतेगा, हम जरूर चेस करेगा, मैं आपको बोल रहा हूँ भाई साहब, हम जीतेगा। कौन सा बड़ा प्लेयर आएगा भाई साहब? शकीबुल हसन आएगा, तंजीम आएगा, तुम देखना भाई साहब, हम लोग पूरा करेगा भाई साहब, हम आपको बताएगा भाई साहब, हम जीतेगा। हमारा बंगाली बाबू तो फुल टाइम चौड़े में घूम रहा, जीतेगा इंडिया को यार। ये समझ रहे 24 बंदे जो है ना बैटिंग करने आएंगे भाई, अगर भी नहीं जीतेगा, अगर ये शाकिबुल हसन पे वो चौड़ा हो रहा है ना, तो उसको चार दफा बैटिंग करा ले भाई, चार दफा उसको आउट ही नहीं होगा, चारों दफा आउट कर देगा। नमन भाई से भी पूछ, नमन भाई ये भी तो है, एक ही अटका ये उछलना किस पे भाई, ये देखना सोचने वाली बात है। देश में इंडिया के उछलने के लिए बहुत कुछ है, सिस्टम ईमानदारी की बात है, ईमानदारी की बात है। 100 पे ऑल आउट हो जाएगा, 100 या 120। ऐसी बात नहीं करो आप, हमारा 150 भी नहीं करेगा, दो ओवर पहले सेस करेगा, नहीं करेगा, दो मत पानी डालो बांग्लादेशी पे भाई। हमारा शकीबुल हसन बेटा तुमको सेंचुरी मारना है बेटा, तो मतलब जीत रहा बांग्लादेश, बांग्लादेश हम जीतेगा। ये रियल क्रिकेट नहीं चल रहा है, सीरियस बात बताओ भाई। देखो कहने की बात ये, बांग्लादेश आप देख लेना जीतेगा, दो ओवर पहले ही मैच पूरा, एक ओवर पहले क्या भविष्यवाणी की यार, सारी बातें सही है इसकी, लेकिन सिर्फ मुंह तक ही है। हाँ तो इसको सीरियस नहीं लेना, देखते आगे क्या होता है भाई। इस भाई बांग्लादेश को टेप दिया इंडिया ने, क्या दुख में आप क्या वो एप्पल पी रहे हो हैं, दुख में कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो यार, जिसको सपोर्ट करो वही हार जाते हैं बेटा। आप वो सही बोल रहे थे, एक बंदा कमेंट करके हारिस भाई पनौती है भाई भाई ये हुआ है कि कोल्ड ड्रिंक लगा दी थी हारिस भाई ने जज्बात में, बांग्लादेश जीतेगा, कोल्ड ड्रिंक मंगा ली, अब कोल्ड ड्रिंक पी जा रही है भाई सुकून से, हमें तो बहुत सुकून मिला। इंडिया ने इतना खतरनाक मारा, वही जो प्रेडिक्शन थी 140-130 बस यही बनते हैं और वही बने। बाकी आप कुछ बोलना चाहेंगे, आपके शाकिबुल हसन ने बहुत ज्यादा स्कोर 1000 रन बनाए, 35 बोले हुए खड़े होके बात खत्म करो। लेकिन इंडियंस दूसरा मैच है आपके लिए साथ ऑस्ट्रेलिया का, वो तो प्यारे बच्चों में बोलूंगा, प्यारे बच्चों जितना खेलना था खेल लिया, आप वो आ रहे हैं, लेकिन ये वो मीन्स ट्रेविस हेड मिचेल स्टार इज बैक, तो आप लोग बच के रहना, जैसे आपको पहला था फाइनल में आपके होम ग्राउंड में इंडिया भी हल्का नहीं आ रही सही है, इंडिया इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेगी, ऑस्ट्रेलिया को टेप देगी, ऑस्ट्रेलिया है इंडिया की बनती नहीं है, बनती नहीं है लेकिन टेप देगा इंशाल्लाह, कोई परेशानी नहीं है इंडिया को, टेप देगा नहीं टेप देगा इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया भाई, सही बोल रहे हैं ये 50-50 होता है भाई, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच में आप एक साइड पे जा ही नहीं सकते, हम तो बस क्रिकेट को सपोर्ट करेंगे भाई। आज का मैच कैसा खेला इंडिया ने? हम लोग तो भाई पहले ही बोले थे बांग्लादेश बाहर है बाहर है बाहर है, बाहर हो गया भाई बस ये भाई याद है। देखा मैच बहुत अच्छा खेला इंडिया ने, और इंडिया के बैट्समैन के कुछ अपर जो बैट्समैन है ना उनको चाहिए कि भाई बैटिंग लाइन अपनी अच्छी करे, भाई ओपनर नहीं चल रहा, ओपनर नहीं चल रहा, इनको चाहिए कि अपनी बैटिंग लाइन पे थोड़ा फोकस करे, विराट कोहली को थोड़ा कि भाई थोड़ा बर्गर वर्गर कम खाए और थोड़ा पिच लाइन पे आए, और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है नेक्स्ट वो तो मेन है ना, अगर देखो इनके ऊपर के बैट्समैन नहीं चले तो फिर ऑस्ट्रेलियन पे बहुत भारी पड़ जाएगी, ऑस्ट्रेलिया वैसी भारी है, वो तो वैसी इनका बैड लक हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया आती है ये इनके टांगे जो ना कांपने शुरू हो जाती है। दूसरा ये कि वेस्ट इंडीज से भी थोड़ा डरना चाहिए, क्योंकि वेस्ट इंडीज होम ग्राउंड होम में चल रही है भाई, होम में चल रही है, वेस्ट इंडीज ने बहुत अच्छा स्कोर करा अभी उषा के दरमियान यूएसए मतलब, तो बाकी देखते हैं आप बताएं। तो भाई आपने देखा आज का मैच जो इंडिया इजी जीत गया, इजी ही जीत गया, जो हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि भाई ये इजी जीत जाएगा, वन साइड जीते, और बांग्लादेश वालों को जो होता है उनका जो चलता हुआ आ रहा रिवाज जो चलता हुआ वही हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर आप इसी तरीके के ब्लॉग देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट में लाजमी बताना, और जो यूट्यूब से देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करो, और जिस तरीके से सपोर्ट करो उसी तरीके से कंटिन्यू रखो, ताकि हमें हौसला अफजाई होता रहे, हम लोग इसी तरीके की वीडियोस आपके लिए बनाते रहे। अभी नेक्स्ट वीडियो अपना नेक्स्ट मैच में वेट कर रहे हैं हम लोग, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप रखें अपना ख्याल।